जिस तरह से इन हत्यारों ने हमारी बहन को के साथ दरिंदगी की है, बड़े दुख की बात है आज दलित समाज के लिए। और ये हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल, केंद्रीय मंत्री ने सबके सामने कहा था कि उस बिटिया को यहाँ लेकर आऊँ, हर्षवर्धन जी ने, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने, और उसने भी धोखा दिया। एम्स की बात हुई थी, हाँ। बेड खाली था, सफदरजंग में लेकर आए उसको। कल जब वो पीड़ित परिवार यहाँ आया, वो बिटिया हमारी यहाँ आई, तो किसी डॉक्टर ने, किसी टीम ने हमारा वेलकम नहीं किया, हमें बुलाया तक नहीं। इस तरह से ट्रीट कर रहे थे उस परिवार के साथ। क्या ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक आप लोग नहीं जागोगे। ये हमारी कमी है, हमारी गलतियां, अपनी कमियों को भी देखो, अपने गिरवान में भी देखो। मेरे बहुजन साथियों, अगर न्याय चाहते हो तो जिस तरह से रेड्डी, प्रियंका रेड्डी बेंगलोर में उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, टू व्हीलर पर जा रही थी, कुछ दरिंदों ने उसकी इज्जत लूट ली तो उसको जिंदा जला दिया था, उनको एनकाउंटर किया वहाँ की सरकार ने। मेरा उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध है, उनका भी एनकाउंटर। अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो आपकी क्या आंदोलन की तैयारी करो? आंदोलन सड़कों पे करो, जैसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का मेंबर बोलता है, विधानसभा में विधानसभा का मेंबर बोलता है। तुम्हारे लिए सड़क है, पार्क है, भर दो गलियों को, अपनी आवाज उठाओ। सरकार में जो बैठे नुमाइंदे, जगाओ, जो सोया हुआ उसे जगाओ, समाज जगा सकता है। अगर जिस दिन बहुजन समाज जाग गया, ये अत्याचार सहते रहो तुम लोग। आज तो ये हुआ है, आगे भी होगा। पीड़िता के परिवार वालों को भी धमकी दी जा रही है, सभी को धमकी दी जा रही है, सारे चैनलों को पता है, लेकिन सरकार सोई हुई है। वहाँ हमारा सांसद है वहाँ हाथरस में। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अभी तक ये मुद्दा सनसनी से नहीं उठाया, बड़े विस्तार जोरों पे नहीं उठाया गया, इसका क्या कारण रहा होगा? मीडिया आप जानते हो, पूरे देश में जानते हो भाई किनकी है, स्वर्ण जाति के लोगों की मीडिया है, दलितों की बात नहीं करती है। आप जिस तरह से टीवी चैनलों पर देख रहे हैं, आज ही क्यों टीवी चैनल आए हुए हैं? इस देश में एक प्रधान रहा था, वो कभी कृषि प्रधान के नाम से देश को जाना जाता था। आज अगर मैं बात कहूँ गिल साहब, तो जातिवाद प्रधान देश है या नहीं? शुरू से ही जातिवादी देश है, मनुवाद आज भी हमारे घरों में है, हमें निकालना होगा। आज किसानों की हालत देख लीजिए, आज किसान अपना ट्रैक्टर चला रहा है, यहाँ दलितों की हालत देख लीजिए, बहुजनों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इसके प्रतिबंध कैसे लगे, इसके लिए क्या रणनीति बननी चाहिए? क्या हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभाओं में विधानसभाओं में, ये गूंगे भैरे लोगों को मैं जगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अभी वक्त है, समझ जाओ, अभी वक्त दो, हम एक हैं। निर्भया दिल्ली में हुआ, एक निर्भया ये हाथरस में हुआ, दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं? निर्भया के साथ जो हुआ, उनके दरिंदों को फांसी पे लटकाया यहीं तिहाड़ जेल में, इनको एनकाउंटर किया जाए, इनका हमारी मांग है, सारे नौजवान साथियों की, बोलो क्या चाहते हो तुम लोग? फांसी दो। उस निर्भया के साथ तो पूरे देश का हर समाज सड़कों पे था। वो स्वर्ण जाति की बिटिया थी, पांडे समाज की बिटिया थी, ये वाल्मीकि की बिटिया है, स्वच्छकार समाज की बिटिया है, लेकिन हम कहते हैं ये देश की बिटिया है, वाल्मीकि समाज का। हम इंसाफ वाले लोग हैं, न्याय के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन जी जैसे आप बातें कर रहे हैं, जैसा माहौल बना हुआ यूपी में, आपको लगता है इंसाफ मिले? कोई बिटिया सुरक्षित नहीं है, ये सरकार ही नहीं दे सकती हमें इंसाफ, क्योंकि हम स्वच्छकार समाज के लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम दलित समाज के लोग हैं। सीएम योगी ने एक प्रस्ताव पास किया, उन्होंने कहा कि जितने रेपिस्ट हैं उनके पोस्टर जो वो चौराहे पे लटकाए जाएंगे, तो लगाए ना, लगाए, हमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लगे अभी तक? लेकिन कुछ लोगों ने कुलदीप सेंगर का पोस्टर लगाया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 40-50 सांसद जिनके ऊपर पार्लियामेंट में रेप के केस चल रहे हैं, फिरौती के चल रहे हैं, मर्डर के चल रहे हैं, डकैती के चल रहे हैं, सरकार में वो लोग बैठे हैं, सरकार में वो लोग बैठे हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि सफदरजंग में उस लड़की की हत्या की गई है, उसको सही से? बिल्कुल, मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूँ आज, सफदरजंग में पहले बहुत भारत का लोगों को विश्वास था कि यहाँ सही इलाज होता है, हर आदमी चाहता था कि एम्स में हमारा इलाज हो, सफदरजंग अस्पताल में हमारा इलाज हो, खुश होते थे, चाहे कितनी भी भयंकर बीमारी होती थी उस आदमी को। लेकिन उस वहाँ क्या नाम है, अलीगढ़ में जो अस्पताल है, 14 तारीख की ये घटना है, सुनिए मेरी बात, 14 तारीख की घटना है, वहाँ तो ये उसका इलाज चल रहा है, जैसा भी इलाज चल रहा था वहाँ 10-12 दिन उसका कोई नहीं हुआ, जैसे ही सफदरजंग हॉस्पिटल में आई है बिटिया, तुरंत मर गई, कमाल हो गया, एक दिन भी जीवित नहीं रही, 24 घंटे भी जीवित नहीं रहा, कैसे विश्वास करें इसका? उनके पिताजी ने भी कुछ असमर्थता दिखाई थी यहाँ आने के लिए, कि उन्हें विश्वास था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा अगर वो दिल्ली जाती है। सरकार के लोगों ने उनको इतना मोटिवेट कर दिया था, उन पर प्रेशर इतना था कि एक बार वहाँ ले चलो, लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से बिटिया हमको छोड़कर चली गई है, नहीं उसका जीवन बचा सकती थी उत्तर प्रदेश की सरकार। भाई अगर
लेकिन क्या करें सर, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हमारा समाज बताएगा। अभी हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी सामाजिक कार्यकर्ता नेतागण सभी आने वाले हैं, बाकी बातें वो आपके समक्ष रखेंगे और अपने दुख और परेशानी बताएंगे। देखिए, सफदरगंज हॉस्पिटल से लाइव हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, लोगों में भयंकर गुस्सा है। जो हाथरस की बेटी थी, आज उसके हत्या हो गई, हत्या कर दी गई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और वो आज 10 दिन बाद उसकी रेपिस्ट ये क्यों बोल जाते हैं कि इनको एक औरत ने ही जन्म दिया है, उसी औरत का रेप करते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। ये रेप हो रहे हैं, ये दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। नहीं तो इस्तीफा दे दें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बंद करें और देश की गद्दी से नीचे उतरे। जनता अगर चुन के लाती है ना, तो अपने हक के लिए चुन के लाती है, अपने ऊपर जुल्म ढाने के लिए नहीं। ये जनता की सरकार यही गुंडों की सरकार है। इस सरकार ने आए दिन पत्रकारों का कत्ल और बेटियों के माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार गुंडों की सरकार है। इन्होंने बेटियों की इज्जत को उछाल रखा है और इंसानियत की कदर को खत्म कर रखा है। इंसानियत में मोहब्बत नहीं है, मरोवत नहीं है। इन्होंने मोहब्बत मरोवत खत्म कर रखा है योगी सरकार। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गुंडे तो यूपी से छोड़ हुआ, ये उनकी एक कहावत है, उनकी जुमलेबाजी है, उनकी हमेशा जुमलेबाजी बोल बचन चलती रही है। ये इनकी जुमलेबाजी हमेशा चलते रहेगी, उनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। रेपिस्ट ये क्यों बोल जाते हैं कि इनको एक औरत ने ही जन्म दिया है, उसी औरत का रेप करते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। ये रेप हो रहे हैं, ये दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। नहीं तो इस्तीफा दे दें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बंद करें और देश की गद्दी से नीचे उतरे। जनता अगर चुन के लाती है ना, तो अपने हक के लिए चुन के लाती है, अपने ऊपर जुल्म ढाने के लिए नहीं। ये जनता की सरकार यही गुंडों की सरकार है। इस सरकार ने आए दिन पत्रकारों का कत्ल और बेटियों के माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार गुंडों की सरकार है। इन्होंने बेटियों की इज्जत को उछाल रखा है और इंसानियत की कदर को खत्म कर रखा है। इंसानियत में मोहब्बत नहीं है, मरोवत नहीं है। इन्होंने मोहब्बत मरोवत खत्म कर रखा है योगी सरकार। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गुंडे तो यूपी से छोड़ हुआ, ये उनकी एक कहावत है, उनकी जुमलेबाजी है, उनकी हमेशा जुमलेबाजी बोल बचन चलती रही है। ये इनकी जुमलेबाजी हमेशा चलते रहेगी, उनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को।